दुनियादारी इज प्रेजेंटेड बाय माय बिल बुक। पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा, माय बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माय बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। कोई बगावत करता है और समूह में करता है तो नाम दिया जाता है विद्रोही गुट, लेकिन अगर इसी विद्रोही गुट को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी हो तो क्या? और कहां हो रही है ये तैयारी? वहां जहां एक हफ्ते बाद सरकार बदलने जा रही है। ये फैसला दुनिया का सबसे ताकतवर बताया जा रहा जो देश है उसकी नई सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है क्या? और इन सब के बीच एक जब्त केमिकल टैंकर की कहानी क्या है? इस खेल का विस्तार क्या है? इतना कि कई और पक्ष भी दम साधे नजारा देख रहे हैं। तेल, परमाणु हथियार, शिया सुन्नी, अरब स्प्रिंग, जिद और भी हैं, पहलू और भी हैं। ये पूरा क्या मामला है आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये दुनियादारी है। मिडिल ईस्ट में एक देश है यमन, इसके उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान की सीमा है, मतलब सीमाएं ये सटी हुई हैं। बाकी दिशाओं में क्या है? समंदर। यमन के उत्तर पश्चिम में एक शहर है सैदा। 1990 के दशक में यहां पर एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ, द बिलीविंग यूथ। इसके फाउंडर का नाम था हुसैन बेदरदीन अल हूती, ये हूती शब्द याद रखिएगा। इस संगठन का मकसद क्या था? इनका मकसद था जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण। अब ये जायदी क्या है? ये शिया इस्लाम की एक धारा है। यमन में 1000 सालों तक जायदी राजाओं का शासन रहा। 1962 में आखिरी जायदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हुई और इसके बाद सिविल वॉर हुआ। इसके बाद यमन दो हिस्सों में बट गया और कुछ समय के लिए साउथ यमन में सोवियत संघ की हवा भी चली। फिर 1978 का साल आया जब नॉर्थ यमन में एक आर्मी के ऑफिसर को राष्ट्रपति बनाया गया। इनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह। उनके वक्त में नॉर्थ और साउथ यमन के बीच फिर से लड़ाई हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1980 का दशक आया तो सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा और उसके गुट में शामिल देश बगावत करने लगे क्योंकि यूटोपिया का सपना चकनाचूर हो चुका था। इसका असर यमन में भी दिखा। नॉर्थ यमन और साउथ यमन एक हो गए और इस मिलन का नया नामकरण हुआ रिपब्लिक ऑफ यमन। नामकरण नया था लेकिन सूत्रधार पुराना था। अली अब्दुल्ला सालेह, उनकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आई थी, उनकी सत्ता का भूगोल बढ़ गया था। वो एकीकृत यमन के पहले राष्ट्रपति बन गए थे और इसमें उन्हें साथ मिला सऊदी अरब और अमेरिका का। हम जानते हैं कि सऊदी अरब एक सुन्नी इस्लामिक देश है, ऐसे में उन्होंने यमन में सलाफी मूवमेंट को बढ़ावा दिया। इन सब कतर ब्योत के बीच जो जायदी शिया मुस्लिम थे वो हाशिए पर चले गए। एक वक्त के सुल्तान मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर थे और देश की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा था। ऐसे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही बेदरदीन अल हूती ने बिलीविंग यूथ नाम का संगठन बनाया। शुरुआत के वर्षों में इसने बहुत सारे क्लब बनाए, समर कैंप लगाए, युवाओं को अपनी तरफ खींचा। इन कैंप्स में शिया स्कॉलर्स की किताबें पढ़ाई जाती, लेबनन और ईरान के शिया धर्मगुरुओं की कहानियां बांची जाती। एक तरफ यमन सरकार सुन्नी सऊदी, अमरीका और इसराइल के साथ झूला झूल रही थी, वहीं जायदी, जिसे कई जगह जैदी भी बोला जाता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अपने लिए जरूरी संसाधनों और अधिकारों की मांग कर रहे थे। सालेह सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया और इससे नाराज बेदरदीन अल हूती ने सरकार के खिलाफ रैलियां निकालना शुरू की। इन रैलियों में भारी भीड़ आने लगी और ये सालेह सरकार के लिए नई और सीधी चुनौती थी। जाहिर है कि इससे तनाव बढ़ने लगा। सरकार ने अल हूती के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, पर इससे मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। सेना और अल हूती के समर्थकों के बीच हिंसक जंग शुरू हो गई, लोग मरने लगे। इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आया 10 सितंबर 2004 को। इस दिन सेना ने मुठभेड़ में बेदरदीन अल हूती को मार गिराया, लेकिन यह चिंगारी के भड़कने का संकेत भर था। अल हूती के समर्थकों ने इसके बाद यमन सरकार के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नया नाम भी मिल गया, हूती विद्रोह, और उनके समर्थक कहलाए हूती। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
इस लड़ाई में यमन सरकार ने अपना पूरा दमखम झोंका। आर्मी और एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम भी बरसाए और पैसे वो भी खूब बरसे सऊदी अरब की जेब से। सऊदी यमन सरकार की तरफ था, पलड़ा भारी था, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। इस लड़ाई में हूती विद्रोहियों ने बाजी मार ली, उन्होंने नए ठिकानों पर कब्जा किया और ये सऊदी अरब के मुंह पर करारे तमाचे की तरह था जो उस पूरे क्षेत्र का सरगना बनने की कोशिश करता था। फिर साल 2010 आया जब हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार के साथ समझौता किया। दोनों पक्ष युद्ध विराम पर राजी हो गए। हलचल थम गई पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि पड़ोस में एक और बड़ी हलचल तैयार हो रही थी। ये पड़ोस क्या था? ट्यूनीशिया। यहां दिसंबर के महीने में एक फल विक्रेता के चेहरे पर लगे थप्पड़ ने मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया और अरब स्प्रिंग की शुरुआत हो गई। ट्यूनीशिया से शुरू हुई सत्ताधारियों के खिलाफ आंदोलन की आंच धीमे धीमे पड़ोसी देशों में भी पहुंचने लगी। ज्यादातर देशों में तानाशाहों की सरकारें थी, दशकों से सत्ता नहीं बदली थी, आम जनता घुट रही थी। ये घुटन यमन में भी महसूस की जा रही थी, जहां पर अली अब्दुल्ला साले 32 वर्षों से कुर्सी पर काबिज था। उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। तब साले को सत्ता अपने सहयोगी अब्दुरबू मंसूर हादी को सौंपनी पड़ी, लेकिन ये पावर ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाया। कई तरह की दिक्कतें थी, अलकायदा था, अलगाववाद था, गरीबी थी, भुखमरी थी, और फिर यहां पर शुरू हो गया शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। शिया अल्पसंख्यक हूती विद्रोहियों ने बगावत कर दी, संघर्ष शुरू हो गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया ही सपोर्ट कर रहे थे हूती विद्रोहियों को, यमन के अंदर कई सुन्नी गुट भी उनका साथ दे रहे थे सत्ताधीशों के विरोध के नाम पर। जनवरी 2015 में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी उनका कब्जा हो गया और ऐसे में राष्ट्रपति मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। 6 फरवरी के दिन हूती विद्रोहियों ने संसद भंग कर दी। अब सत्ता की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में थी और मंसूर हादी वो भागकर सऊदी अरब पहुंच गया था मदद मांगने के लिए। सऊदी अरब को यकीन था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है। सऊदी और उसके सहयोगियों ने मिलकर यमन पर हवाई बमबारी शुरू कर दी। एक देश दूसरे देश पर बम गिराए तो बाकी देश भी चौकन्ने हो जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने सऊदी अरब का साथ दिया। ये जंग अब तक चल रही है, लेकिन हूती विद्रोही अभी भी 20 साबित हो रहे हैं। यमन का 70% हिस्सा अभी भी उनके कब्जे में है। ये हूती विद्रोहियों की कहानी आज आपको क्यों सुना रहा हूं? वजह है एक ऐलान। किसका? अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी कर ली है। पोम्पियो ने कहा है कि गुट के 3 टॉप लीडर्स को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उनका दावा है कि इस कदम से यमन ईरान के कंट्रोल से बाहर आएगा और वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ट्रंप सरकार ये दावा कर रही है तो उन्हें रगेदा क्यों जा रहा है? आखिर इस ऐलान से समस्या क्या है? दरअसल ये फैसला 19 जनवरी से लागू होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद छोड़ने से ठीक एक दिन पहले। नए राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन, जो कहते हैं कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर फिर से विचार की जरूरत है। हम जानते हैं कि हूती विद्रोहियों को ईरान बैकडोर से सपोर्ट करता है। ईरान और हूती विद्रोही दोनों इस दावे को नकारते हैं। हालांकि एक बात तय है कि इस ऐलान से सऊदी अरब का हित सधेगा और ये बात ईरान को नागवार गुजरने वाली है। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, साथ ही ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और इसके चलते ईरान के $7 बिलियन साउथ कोरिया के बैंकों में भी फंस गए थे। नया सरकार, नया निजाम चाहता है कि ईरान से संबंध बेहतर हो, लेकिन अगर ट्रंप का ये फैसला लागू हो जाता है तो उस बेहतरी की राह में रोड़े आएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ईरान का पैसा फंस गया, लेकिन वो पैसा अमेरिका में नहीं, आपने ध्यान से सुना ही होगा, साउथ कोरिया के बैंक में फंस गया। और यहां से एक नया पेच आया है इस समस्या में। साउथ कोरिया ने इन खातों को फ्रीज कर दिया था। अब ईरान ने एक साउथ कोरियन केमिकल टैंकर को जब्त कर लिया है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा है टैंकर छोड़ देंगे, हमारे बैंक खातों को चालू करिए। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते ईरान अमेरिकी संबंधों की कड़वाहट में नीम गोल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि हूती विद्रोहियों को आतंकवादी समूह घोषित करने का ऐलान न सिर्फ यमन में शांति के प्रयासों को पलीता लगाएगा, बल्कि ईरान के साथ संभावित बातचीत को कई कदम पीछे धकेलेगा। इसीलिए अमेरिका में लोग ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। इतना साफ है, जो बाइडेन की राह आसान नहीं है। और इन सबसे इतर एक और पहलू है जिसकी चर्चा जरूरी है। ये पहलू मानवीयता का है। सिविल वॉर से जूझ रहा यमन पस्त हो चुका है। भुखमरी और अकाल
इस देश के मुकद्दर की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ की 80% आबादी बाहरी मदद पर निर्भर है। यमन अपनी ज़रूरत का 90% सामान बाहर से मंगवाता है। हमने पहले भी बताया 70% हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, तो वो भी इस ट्रांजैक्शन में शामिल रहते हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ट्रंप सरकार के फैसले से यमन में मदद पहुंचाना गैर कानूनी हो जाएगा। उनका सवाल है कि क्या वे एक आतंकवादी संगठन के साथ काम कर पाएंगे यदि ये घोषित हो जाता है? क्या लोगों तक मदद पहुंच पाएगी? माइक पोम्पियो ने कहा ऐसे एनजीओज के लिए पास जारी किया जाएगा, और ऐसे में एक दूसरा खतरा उभरता है। अमेरिका के पास पर काम कर रहे लोग हूती विद्रोहियों की नज़र में दुश्मन होंगे। इसके अलावा हूती इलाकों के साथ व्यापार कर रही कंपनियों में भी डर का माहौल होगा, जो और बढ़ेगा। उन्हें अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने का भी अंदेशा है। ऐसे में यमन के व्यापार पर, यमन के लोगों पर इस फैसले से बड़ा असर पड़ सकता है, और इस फैसले के बाद हूती विद्रोहियों को बातचीत की मेज़ पर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि ट्रंप जाते जाते नई सरकार के लिए नई मुसीबतें छोड़कर जाना चाहते हैं और अपने पक्के दोस्त सऊदी अरब के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं। ये बिखरी विरासत, ये खिलवाड़ मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, हम बताते रहेंगे। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी मलेशिया से है। सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है, यानी कि संसद और राज्यों की विधानसभा को भंग कर दिया है। चुनावों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी 1 अगस्त या कोरोना के मामलों में कमी आने तक जारी रहेगी, और तब तक पुरानी सरकार काम करती रहेगी। 2 हफ्ते का कोरोना लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले इमरजेंसी का ऐलान हैरान करने वाला है। अगली सुर्खी अमरीका से है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो जू सफारी पार्क में 3 गोरिल्ला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरों में भी संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, अभी जांच हो रही है। ये वायरस जू के एक कर्मचारी से फैला, जो एक दिन पहले ही संक्रमित पाया गया था। गोरिल्लाओं में कोरोना संक्रमण का ये संभवतः पहला मामला है। सफारी पार्क पब्लिक के लिए 6 दिसंबर से ही बंद था। आज की तीसरी सुर्खी ब्रिटेन से है। यहां एक लीबियाई शरणार्थी खैरी सादल्ला को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान उसे पैरोल भी नहीं मिलेगा। सादल्ला पर 3 लोगों की हत्या का आरोप था। जून 2020 में उसने पार्क में आराम कर रहे 3 दोस्तों को चाकू मार दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। हमले के दौरान सादल्ला अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला बताया था। सादल्ला 2012 में ब्रिटेन में शरणार्थी बनकर आया था। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभरात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश, तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।